कटनी जिला बरवारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने भीमरखीरा तहसील क्षेत्र के उपार्जन केंद्र मुरवारी सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। केंद्र में निरीक्षण के दौरान किसानों से रूबरू होकर उपार्जन केंद्र में आ रही समस्या की जानकारी ली गई। किसानों ने बताया कि उपार्जन केंद्र में कोई समस्या नहीं है, समय पर तौलाई की जा रही है। किसानों को खुशहाल देखकर विधायक ने उपार्जन केंद्र मुरवारी सेंटर की सराहना की गई। वही दुर्गा स्व सहायता समूह उपार्जन केंद्र अध्यक्ष संगीता चौधरी ने बताया कि समय पर परिवहन न होने से कठिनाइयां बनी हुई है। मौसम के करवट बदलते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी है, इसलिए परिवहन के लिए विधायक से अध्यक्ष व किसानों ने अवगत कराया। उपार्जन केंद्र में उपस्थित सचिव क्रांति चौधरी, पारस पटेल, जितेंद्र पटेल, गोविंद पटेल, संदीप पटेल, विजय कुमार, सरवन पटेल, जानकी पटेल, भगवान दास, प्रीतम पटेल, अजय पटेल अन्य किसानों ने विधायक से परिवहन करवाने के लिए विशेष आग्रह किया गया। विधायक ने परिवहन की समस्या को शीघ्र निदान कराने का आश्वासन दिया गया। वही विधायक ने ग्राम अंतर्वेद गनियारी में गांधी चौपाल लगाकर आमजनों की समस्या सुनकर कुछ समस्याओं का निराकरण कराया गया है। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। इंटर आए खरीद उपार्जन केंद्र में, यहाँ पर आपके द्वारा निरीक्षण किया क्या पाया गया? यहाँ मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ और एक पहली जगह जो गुरुवारी जो खरीदी केंद्र है, यहाँ पर मुझे आके अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई शिकायत शिकवा नहीं है। और जो सहायता ये समिति है, मैं समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से काम कर रही है और इनका जो जज्बा है ऐसे लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। और भीमरखेड़ा की पहली एक ऐसी जगह मैं पाया हूँ जहाँ शिकायत नहीं है। किसानों से आप मिले, किसानों ने क्या बतलाया? किसानों से भी बात हुई है मेरी, किसानों ने बोला कि जो खरीदी हो रही है उसमें हम संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है? मेरा संगीता चौधरी नाम है। ये उपार्जन केंद्र किस नाम से चल रहा है? संगीता स्व सहायता समूह से। अच्छा, ये केंद्र में समस्या क्या है आ रही है वर्तमान में? समस्या सर, यहाँ परिवहन नहीं आ पा रहा है, कम परिवहन आने की वजह से बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। इसकी शिकायत आपके द्वारा कहीं की गई? जी सर, हमने कलेक्टर साहब से बोला है। आश्वासन क्या मिला आप? आश्वासन क्या मिला आपको कलेक्टर? बोला गया कि शाम तक आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी।